अभी तो ये दुकान का हुआ है, प्रदीप पत्रा के खिलाफ भी कार्रवाई अवश्य होगी, आप निश्चिंत रहें। अभी तो देखिए ये बहुत नेतागिरी बहुत आपने कर रहे हैं इसके अंदर। हाई कोर्ट का ऑर्डर बोर्ड नहीं काट सकता, सचिव नहीं काट सकता, मुख्यमंत्री नहीं काट सकता, मुख्यमंत्री को भी न्यायपालिका अध्यक्ष थे उस वक्त, आज विधायक हैं प्रदीप पत्रा यहाँ के, तो उन्हें इनके भी केस अपना केस मान के लड़ना चाहिए था। अगर आज उनकी जगह सचिन गुप्ता होता तो आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता, मैं आज भी उनका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक बार व्यापारी वर्ग जो है या व्यापारी भाई जो है रामनगर के मेरे साथ आके खड़े, अवधारणा यहाँ के बच्चों ने सीख ली, शहर के बच्चों ने सीख ली, तो वो शहर के बच्चे भविष्य में ऐसा ही सीख के ऐसा ही कर पाते। मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुक गया। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेयर यशपाल राणा। हम पूछेंगे कि कल जो कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के बाद की गई है, दुकान को सील किया गया है, क्या कुछ कहेंगे कि उस प्रकरण में किसकी गलती सबसे ज़्यादा मानी जा रही है? आपका स्वागत है रुड़की हब में, क्या कहेंगे सर? देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती, मैं सबसे पहले रुड़की हब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इसमें सबसे बड़ी गलती माननीय प्रदीप बत्रा विधायक जी की। देखिए उस टाइम पे चेयरमैन प्रदीप बत्रा जी थे और अब वर्तमान में विधायक। रामनगर की दुकान एक प्रक्रिया के तहत गलत दी गई और रामनगर में जो 75,000 65,000 35,000 रुपये की जो रसीदें कटी हुई हैं वे गलत हैं। एक शासन से कमेटी बनी और उस कमेटी की एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट टोटली प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ है। आप कोई भी संपत्ति बिना नीलाम के नहीं दे सकते। देखिए उसमें एक कमेटी जब बनी ना तो उसमें TS की रिपोर्ट, नगर पालिका की, उस टाइम पर TS TI इन दोनों की रिपोर्ट नहीं है और EO का चार्ज हमारे यहाँ विचित्र सिंह पवार जी थे। जब विचित्र सिंह पवार जी को इस बात का पता लगा कि ये काम मेरे जब प्रदीप बत्रा जी गलत करवा रहे हैं तो मैं सीधे सचिवालय गए और सचिवालय में अपनी ज्वाइनिंग दिखाकर दोबारा में यहाँ पे चार्ज लेने नहीं आए। अधिकारी लोग अपनी कलम क्यों फंसाएगा, और इसमें दुकानदारों को बुलाया गया था, भाई आप बत्रा जी से 5-5 लाख रुपए लिया हो अपने और इसे निगम में ऑलरेडी जमा कर, जब तक कि हम लोग कोर्ट में नहीं गए थे। लेकिन भाजपा तो कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है हमारी। भाजपा तो पता नहीं क्या क्या बात करती है, भाजपा के लोग तो दूध में पानी में भी दूध दिखा रहे हैं जनता को। आज जो तेल है सरसों का वो 200 कुछ रुपए पहुंच गया, कांग्रेस के टाइम में 70 रुपए था, तो भाजपा की सरकार तो महंगाई के ऊपर भी आज सस्ते बता रहे हैं। जो ये भाजपा के अंधभक्त लोग हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भाजपा ने क्यों बाहर निकाल ली है? देखिए इस टाइम पर प्रदीप बत्रा विधायक है और उन्होंने ही ये सारा गोलमाल करा हुआ है, तो रामनगर के जो निवासी हैं, जो दुकानदार हैं, जिन्होंने पैसा दिया है, तो मैंने उससे पूछे भाई क्या बात हुई। इन्होंने एक एफिडेविट, देखिए अभी तो इसमें कोर्ट में बत्रा जी के खिलाफ भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो कंटप डली हुई है। कोर्ट ने ये कहा है इसमें जो दोषी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अभी तो ये दुकान का हुआ है, प्रदीप बत्रा के खिलाफ भी कार्रवाई अवश्य होगी, आप निश्चिंत रहें। अभी तो देखिए ये बहुत पहले का मामला है, ये मामला बहुत पहले का है, लगभग 3 साल से इसके उठ रहे हुए हैं। प्रदीप बत्रा ने दबवा रखे थे, वो तो जब हाई कोर्ट सख्त हुआ, हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार उसकी सख्ती के साथ तब ये कार्रवाई हुई, वरना भाजपा के लोग तो इसे भी दबाने का काम कर रहे थे। और देखिए नेतागिरी बहुत आदमी कर रहे हैं इसके अंदर। हाई कोर्ट का ऑर्डर बोर्ड नहीं काट सकता, सचिव नहीं काट सकता, मुख्यमंत्री नहीं काट सकता, मुख्यमंत्री को भी राइट नहीं है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर काट दे। जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया वो सराहनीय निर्णय है, हाई ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में वो रिट कैंसिल हुई। नेतागिरी इसमें जनता जो कर रही है वो गलत कर रही थी, बोर्ड ये कर देगा, बोर्ड करके दिखाए, बोर्ड डिसोल्व हो जाएगा। आप हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट काटेगी, कैसे काट देंगे आप बोर्ड? आपका कहना है कि प्रदीप बत्रा पर इनको इस चीज को लेकर, इस विवाद को लेकर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, आप निश्चिंत रहें, प्रदीप बत्रा भी बचेगा नहीं झमेले में। जिसने भ्रष्टाचारी करी है नगर में वो इस लपेटे में आएगा जरूर, मेरी तरफ से कंटप डली हुई है, आप निश्चिंत रहें, और इसमें जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है कि हाई कोर्ट के निर्णय को बोर्ड में रख के काट दे, कोई ऐसा ला नहीं है। संविधान से देश चलेगा, पार्टी से देश नहीं चलेगा, जो बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख गए हैं, देश उससे चलना है।
आप ये इस बात का ध्यान रखें। तो सीधा सीधा यहाँ पर प्रदीप बत्रा जी पर कार्रवाई करने की बात यशपाल राणा जी ने कही है, आगे देखना होगा कि संगठन प्रदीप बत्रा पर क्या कार्रवाई करता। जुड़ चुके हैं प्रोफेसर देवेंद्र सैनी जी, क्या कुछ कहेंगे आज रुड़की अब के माध्यम से जो सीलिंग की कार्रवाई रामनगर में हुई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, साफ साफ जनप्रतिनिधि द्वारा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में जो पिस रहे हैं लोग वो जनता ही है। तो जनता को यदि जनप्रतिनिधि गलत रास्ता दिखाकर और उस रास्ते पे ले जाके अंततः यदि जनता को ही भुगतना पड़े तो ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई होना लीगली भी और जनता के द्वारा भी अति आवश्यक है। प्रोफेसर साहब, ये पहला मामला नहीं है विधायक जी के खिलाफ, और भी बहुत से मामले चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आने वाले चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी एज का हो, समाज का हो, जाति का हो, रिलीजन का हो, क्योंकि उसके सामने जन लगा हुआ है और वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसका ईमानदार होना बहुत आवश्यक है, उसका लॉ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कोई गलत कार्य ना करे। प्रदीप बत्रा जी शायद ओवर कॉन्फिडेंस में लॉ को अपने हाथ में लेते रहे हैं, तोड़ते मरोड़ते रहे हैं, जिसकी वजह से जगह जगह वो कभी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा समस्या मैं देखता हूँ, यदि इस तरह की अवधारणा यहाँ के बच्चों ने सीख ली, इस शहर के बच्चों ने सीख ली, तो वो शहर के बच्चे भविष्य में ऐसा ही सीख के ऐसा ही करेंगे, जो कि एक गलत है और जनप्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए कि वो समाज में और बच्चों के लिए एक मिसाल के तौर पे जाना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे। मौजूद है कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे रुड़की अब के माध्यम से जो सीलिंग की कार्रवाई कल रामनगर में हुई है? रामनगर में बहुत से वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के भी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने ही उनकी सीलिंग की कार्रवाई की है, आप क्या कहेंगे? देखिए नितिन जी, कल की जो कार्रवाई हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। मैं भी रामनगर गया था, रामनगर के व्यापारियों के साथ मैंने भी जो है पूरा संघर्ष करने की कोशिश करी, लेकिन क्या है कि हमारे जनप्रतिनिधि दोनों ही जो बीजेपी से आते हैं, विधायक प्रदीप बत्रा भी और मेयर गौरव गोयल भी, उनमें से दोनों में से ना तो कोई आया, ना कोई उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रहा है। वे सिर्फ उन्होंने अपना काम ये कर रखा है कि वोट के टाइम वो वोट मांगने जाते हैं, बाकी जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी वो नैतिकता के रूप में नहीं लेते। अब की बार कांग्रेस ने पीड़ा उठाया है कि हर हालत में इस बार कांग्रेस रुड़की क्षेत्र से आएगी, रुड़की विधानसभा जीतेगी, चाहे प्रत्याशी कोई भी रहे, और वो हर समय चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो उनके साथ खड़ा हुआ मिलेगा, हर व्यापारी वर्ग के साथ, और कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर दुख दर्द को अपना समझते हुए उनके साथ संघर्ष करेगा। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे रुड़की अब के माध्यम से जो कार्रवाई वहाँ पर की गई है, जो व्यापारी वहाँ पर हैं, उन व्यापारियों को कैसे राहत दी जाएगी? देखिए, व्यापारियों को राहत देने के लिए सबसे बड़ा काम दोनों जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, मेयर को अपनी बोर्ड मीटिंग बैठानी चाहिए, बोर्ड मीटिंग के अंदर एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए, उस बोर्ड प्रस्ताव के अंदर उन्हें रखना चाहिए कायदे में जो री अलॉटमेंट हम बोलते हैं, जिसे री ऑक्शन भी कहा जाता है, री अलॉटमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है। एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, मैं उसकी बिल्कुल वो करता हूँ कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर में दिया कि भाई हम जो है इसे सीलिंग करें और सीलिंग करने के बाद वापस दें, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद आप ये अलॉटमेंट कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग में पास कीजिए, प्रस्ताव जो है शहरी विकास सचिव को भेजिए, वहाँ से आपका ऑर्डर आएगा, उसके बाद उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें आप री अलॉटमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर प्रोविजन है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। विधायक जो प्रदीप बत्रा है, उन्होंने अपने मॉल को बचाने के लिए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़े वकील खड़े कर दिए, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं खड़े करे भाई? उनकी नैतिकता जिम्मेदारी नहीं थी, नगर पालिका अध्यक्ष थे उस वक्त, आज विधायक हैं प्रदीप बत्रा यहाँ के, तो उन्हें इनके भी केस अपना केस मान के लड़ना चाहिए था। अगर आज उनकी जगह सचिन गुप्ता होता तो आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता, मैं आज भी उनका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक बार व्यापारी वर्ग जो है या व्यापारी भाई जो है रामनगर के मेरे साथ आके खड़े तो हों, मैं लड़ता हूँ उनका केस, और जब तक होगा तब तक लड़ूंगा, और कोई चंदा या किसी प्रकार का उनका कोई पैसा नहीं लगने दूंगा, जो भी होगा मैं अपना निजी खर्च पे करूंगा। कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता जी ने बहुत बड़ी बात कही है, कंधा से कंधे मिलाकर ये व्यापारियों के साथ खड़े हैं और उनका केस लड़ने के लिए तैयार भी है। नितिन कुमार रुड़की हब से।